अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मिलेगी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी थी, और ये है सोल्डरिंग आयरन। और इसे हम कपड़ों के जो पैचेस होते हैं ऐसे बने हुए आजकल बहुत ज़्यादा जो हैं वो आ रहे हैं, तो ये जो है बर्न आउट करते हैं, और गेंजा का जो फैब्रिक होता है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ कपड़ों के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। और कोई एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक 10-15 पाउंड में आपको मिल जाता है, और इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं साथ में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे मिला था एलजी से तकरीबन 10 पाउंड में। तो ये है टूल, इसका इस तरह बना हुआ है, और साथ में ये इसके रखने के लिए है, जब गर्म हो जाता है हम नहीं यूज़ करते तो इसके ऊपर हम रखते हैं, तो इसे ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में है इसका प्लग, और टूल जो इसका मैं आज यूज़ करूँगी मेरे ख्याल में जो पेंसिल वाला होता है, पहले भी मैंने यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा था उससे, तो मैं वही वाला यूज़ करूँगी। पहले वाला जो मैंने यूज़ किया था वो बड़ा था, ऐसे था वो, तो आप देख सकते हैं काला हुआ है, और आज मैं ये छोटा वाला यूज़ करूँगी। तो बहुत इजी है, बस आपने इसके अंदर ऐसे बस कर देना है, तो बस ये रेडी है। बहुत ही हैंडी टूल है ये, तो अभी हम इसे रखते हैं गर्म होने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये गर्म हो रहा है, और इस पैचेस जो हैं वो हम रेडी कर लेंगे। तो ये कपड़े हैं मेरे पास, तो इसके पैचेस मुझे लगाने हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इन्हें बर्न आउट करती हूँ। बहुत ही नीट और क्लीन जो है पैचेस की एम्ब्रॉयडरी जो है वो बिल्कुल सही से इसका हो जाता है बर्न आउट, और काले निशान जो होते हैं वो भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को वो गैस के साथ इसे बर्न आउट कर लेते हैं और वो इतने काले निशान उसके पड़ जाते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, काले निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ते। और ये एम्ब्रॉयडरी पैच है, बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी पैच है, उसे मैंने ख़राब नहीं करना है होपफुली। तो ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसका स्टार्ट तो कर अभी लेंगे। इसका जो है बर्न आउट मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाती हूँ पहले। और ये देखें कितनी खूबसूरती से ये सारा जो है वो बर्न आउट हो जाता है। तो कैमरा मैं चेंज करती हूँ पोजीशन, और फिर आपको मैं क्लोजली दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। मेक श्योर करें जब आप इसे बर्न आउट कर रहे हैं तो विंडो वगैरह और डोर वगैरह जो है वो ओपन कर दें। मैंने अभी ओपन नहीं किया, और बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वो हो रही है,
तो इससे थोड़ा सा है कि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो हो जाती है। तो ये सारा भी हो गया है, तो इंशाल्लाह ये सारे फिनिश हो जाएं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बर्न आउट कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन ये हुआ है। और ये भी इसके साथ में है, ये नेक लाइन के पीसीज हैं, तो ये जाएंगे ऐसे। और जो बॉर्डर्स हैं वो भी सारा मैंने कर दिया है, काफ़ी बड़ा बॉर्डर था लेकिन यह है कि हो गया है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। और देख सकते हैं आप ये कमीज़ के फ्रंट एंड बैक पे जाएगा। तो ये सारा मैंने कर दिया है, और हमेशा जो है वो वुड वगैरह यूज़ करें नीचे, ताकि नीचे जो सरफेस है वो बर्न नहीं हो, क्योंकि ये काफ़ी हॉट हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर आप सॉइंग वगैरह करते हैं तो ये बहुत ही हैंडी चीज़ है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।